अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करैछी हे, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। मत और कुछ बताइए, और कौन कौन से लैंग्वेज में आप गाना गा सकती हैं? मैं कोरियन गा सकती हूँ, इंग्लिश गा सकती हूँ, पंजाबी गा सकती हूँ, हिंदी गा पंजाबी सकती। का लले लले अरहुल के माला बने लो गर्दन लगा लिया माँ। कब से आप सीख रहे हैं? मैं 6 साल की उम्र से सीख रही हूँ। 6 साल से। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सस्टक न्यूज। आज हम आप पहुंचे मुजफ्फरपुर जिला। ये 13 साल की बिटिया लूसी है, लूसी जो अपने मतलब गाना से सबका दिल मोह लेती है। बहुत सारे सिंगर को आपने सुना होगा, कौन कौन से लैंग्वेज में गाना गाती हैं? मैं बिहार के कुछ क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली, अंगिका, मगही, उसके अलावा मैं हिंदी, कोरियन, पंजाबी, श्रीलंकन, तमिल और इंग्लिश में गाती हूँ। आज नवरात्रि पे कुछ गाना आप सुना सकती हैं? जी जी सुनाइए। मैं महिषासुरमर्दिनी स्तुतिम सुनाना चाहूंगी। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। माता रानी का और कुछ गाना सुनाइए जो आपका फेमस हो। मेरा फेमस हो, मैं एक मैथिली में गाती हूँ, वो सुनाती हूँ। लले लले अरहुल के माला बने लो गर्दन लगा लिया माँ, शरण शरण बुझिए लो शरण हम कोरा उठा लिया माँ, हे माँ कोरा उठा लिया माँ। और कुछ माता रानी का गाना? और कुछ एक है देवी स्तुति है, मैथिली में ही है। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करैछी हे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करैछी हे, जय जयकार करैछी हे मैया, जय जयकार करैछी हे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करैछी हे। भारत में बहुत सारे सिंगर आप लोग को मालूम है कि जैसे कि लता मंगेशकर, शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर जो बिहार से आती है, मैथिली ठाकुर, वो सभी को आप लोग फेमस किया। इस बिहार की बिटिया को भी आप लोग फेमस कीजिए। और मैथिली ठाकुर आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मुझे बिहार के जो मैं बिहार में ज्यादा सुनना जिनको पसंद करती हूँ वो शारदा सिन्हा जी। शारदा उसमें आपका क्या रहा है? ऐसा नहीं है, और मैं गाती हूँ और मुझे काफी लोग अभी पसंद भी कर रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और मैं उन लोगों से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बस इतना बोलूंगी क्योंकि हमारा बिहार और अपना भारत अपने संस्कृति के वजह से जाना जाता है, तो हमें उस संस्कृति को बचाते हुए आगे चलना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी। चलिए, आपने गाना कहाँ से सीखा? मैंने गाना अपने पिताजी से सीखा है। पिताजी से? जी। कब से आप सीख रहे हैं? मैं 6 साल की उम्र से सीख रही हूँ। 6 साल से। जी। और कुछ बताइए, और कौन कौन से लैंग्वेज में आप गाना गा सकती हैं? मैं कोरियन गा सकती हूँ, इंग्लिश गा सकती हूँ, पंजाबी गा सकती हूँ, हिंदी गा। पंजाबी का कुछ सॉन्ग सुनाइए। वे मैथों तेरा मन बरिया, मन बढ़िया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गला तेरिया तो लगदा यारा, गला तेरिया तो लगदा यारा। 13 साल की लूसी को माँ सरस्वती गले में विराजमान है। इनका आवाज सुन के समझिए कि आप सभी दर्शक कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इनका आवाज कैसा लगा आप लोग का। बहुत सारे सिंगर के आप लोग ने आवाज सुना होगा। इस बच्ची 13 साल का आप लोग प्यार बनाइए। और बताइए कि भोजपुरी जो हम लोग का है भाषा, उस पर आपका क्या राय है?
हमारा भोजपुरी काफ़ी सुंदर लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है। भले ही बहुत कुछ कारणों की वजह से ये अभी थोड़ा चल रहा है, विवादों में चल रहा है, लेकिन अगर हम अपने पुराने गानों को देखें, जो हमारे फोक सॉन्ग्स है, जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, जो शारदा सिन्हा जी ने गाया है, भिखारी ठाकुर जी ने, जो कि हमारे भोजपुरी वही रियलिटी है। हाँ, वो भोजपुरी का रियलिटी है। लेकिन अगर हर चीज में अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी जरूर होते हैं। तो अभी भोजपुरी क्या समझिए कि अस्तित्व ही खत्म होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। हाँ, ये बात है कि भोजपुरी बदनाम हो गई है, लेकिन अगर अभी से भी हम चाहे तो भोजपुरी काफी आगे तक जा सकता है। मैथिली ठाकुर के बारे में आपका क्या राय है? मैथिली दीदी, उनके लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, क्योंकि वो हमारे बिहार के ट्रेडिशन, कल्चर, ये सभी को काफ़ी आगे तक लेके गई हैं। बहुत और काफ़ी नाम कर रही है हमारे बिहार का बाहर में, और मुझे देख के उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ। और मैं बता दूँ, मेरे घर में भी उनको सभी सुनना बहुत पसंद करते हैं, मैं भी उन्हें सुनती हूँ।